Hello students, in the previous lecture we discussed some questions related to area and perimeter, and today we are going to solve some questions based on perimeter and area. The first question is, Sabina wants to cover the floor of her room whose length is 4 meter and breadth is 3 meter by square tile. If each square tile is of size 20 centimeter, then find the number of tiles required to cover the floor of her room. सबीना अपने रूम का जो फ्लोर है जिसकी लेंथ 4 मीटर और ब्रेथ 3 मीटर है उसे वो स्क्वायर टाइल से कवर कराना चाहती है। उसने जो स्क्वायर टाइल लिया है कवर करने के लिए उसकी वन साइड 20 सेंटीमीटर है, तो आपको फाइंड क्या करना है कि उसके रूम के फ्लोर को कवर करने के लिए टोटल कितने टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। स्टूडेंट, जब भी आपको नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे, रूम की टोटल एरिया को डिवाइड कर दोगे एरिया ऑफ वन टाइल्स से, और हमेशा ये ध्यान रखोगे कि जो आप यूनिट ले रहे हो दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, जो हमको एरिया ऑफ रूम है दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ हमको मीटर में दिया है, और जो हमको टाइल की लेंथ दिया है, टाइल की साइड दिया है, वो सेंटीमीटर में दिया है। तो हमेशा हम दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करें, किसी एक को कन्वर्ट कर दोगे तो दोनों सेम यूनिट में हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 4 मीटर और 3 मीटर को कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में। लेट अस राइट द सॉल्यूशन। एट फर्स्ट वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ सबीनास रूम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेंथ ऑफ द रूम दैट इज 4 मीटर, और हम 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। वी विल मल्टीप्लाई बाई 100 एंड वी विल गेट लेंथ ऑफ रूम दैट इज 400 सेंटीमीटर। नाउ वी विल राइट ब्रेथ ऑफ रूम, इट इज ऑल्सो गिवन एंड इट इज 3 मीटर। 3 मीटर मीन्स 300 सेंटीमीटर। मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी एरिया। नाउ वी विल राइट एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम, तो हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितना है 400 और ब्रेथ कितना है 300, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 3 12। 2 जीरो यहाँ है और 2 जीरो यहाँ है, तो टोटल 4 जीरो हो गए 1 2 3 4। राइट कर देंगे और देखिए दोनों यूनिट हमारी जो है वो सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ राइट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द टाइल। तो एरिया ऑफ टाइल फाइंड आउट करने के लिए जो हमारी टाइल है वो स्क्वायर शेप की है, और हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है दैट इज साइड मल्टीप्लाई साइड, और यहाँ पे स्क्वायर टाइल की एक साइड गिवन है आपको, तो आप राइट करोगे साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। नाउ वी विल राइट एरिया ऑफ द स्क्वायर टाइल, तो ये क्या हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड, और साइड हमको दिया है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर लो 2 2 4, 10 यहाँ है 10 यहाँ, तो हो जाएगा 400 और यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और यू कैन राइट स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको आप राइट कर सकते हो 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, दे बोथ आर सेम। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। हम दोनों की एरिया को डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इक्वल टू एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम अपान में हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल। तो देखिए जो एरिया ऑफ द फ्लोर है दैट इज 1 2 4 0 1 2 3 4, इट इज 120,000 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल कितनी है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे दोनों सेम है तो ये यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हम इसको सॉल्व करेंगे 20 से 20 कैंसिल, 4 1 4, 4 3 12, और कितने जीरो बच गए 1 2
तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा 300। Therefore, number of tiles required to cover the floor is 300 tiles. Okay, let us see the next question. The next question is Bhavna runs 10 times around a square field of side 80 meter. Her sister Susmita runs 8 times around a rectangular field with length 150 meter and breadth 60 meter. Who covers more distance by how much? There is a square field and another field is of rectangular field. So, हम दोनों field draw कर लेते हैं. Let us consider this is square field and this is rectangular field. भावना रन करती है 10 times around a square field, जिसकी साइड कितनी है 80 मीटर और उसकी जो सिस्टर है सुष्मिता वो रन करती है 8 times around a rectangular field, whose length is 150 meter and breadth is 60 meter. तो आपको बताना है कि किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया और कितना ज्यादा किया है. तो कैसे फाइंड आउट करोगे? सीधी सी बात है कि अगर वो लोग उसके अराउंड रन कर रहे हैं, इट मींस आपको फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर. तो हम दोनों का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे. भावना ने 10 टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये कैसे फाइंड आउट करोगे? वन साइड में कितना किया वो निकाल करके आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो और सुष्मिता ने वन टाइम में कितना किया है वो निकाल करके आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो. तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट दोनों ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है. आफ्टर दैट यू कैन कंपेयर दैट हु कवर मोर डिस्टेंस. सो स्टूडेंट्स लेट अस सी द सॉल्यूशन. एट फर्स्ट वी विल राइट डिस्टेंस कवर्ड बाय भावना इन वन राउंड. डिस्टेंस कवर्ड बाय भावना इन वन राउंड दैट इज इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड. पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विथ पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है. तो यहां पे साइड आपको क्या दिया है 80 मीटर. फ्रॉम हियर यू विल गेट 4 8 जा 32 10 320 मीटर. इट मीन्स कि भावना ने वन राउंड में 320 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है. बट सी रन्स 10 टाइम्स दैट्स व्हाई डिस्टेंस कवर्ड बाय भावना इन 10 राउंड. तो 10 राउंड में फाइंड आउट करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3200 मीटर. नाउ वी विल फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय सुष्मिता इन वन राउंड. वी विल राइट हियर डिस्टेंस कवर्ड बाय सुष्मिता इन वन राउंड दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई विद लेंथ प्लस ब्रेथ. और यहाँ पे हमको लेंथ दिया है 150 मीटर एंड ब्रेथ इज गिवेन 60 मीटर. 2 मल्टीप्लाई विद 150 और 60 को ऐड कर लोगे यार हो जाएगा 210 और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4 420 मीटर. तो यहां से हमें ये चीज पता चली कि सुष्मिता ने वन राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है. नाउ वी विल फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय सुष्मिता इन 8 राउंड्स, क्योंकि वो 8 राउंड ले रही है ना. नाउ वी विल राइट डिस्टेंस कवर्ड बाय सुष्मिता इन 8 राउंड्स दैट इज 420 मल्टीप्लाई विद 8. तो आपको यहां से कितना मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 2 जा 16 1 कैरी 4 8 जा 32 एंड 1 33 3360 मीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड हु कवर मोर डिस्टेंस. तो आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए 3200 मीटर एंड 3360 मीटर. तो ग्रेटर कौन सा हुआ, 3360 मीटर. इट मींस सुष्मिता कवर मोर डिस्टेंस. एंड हाउ मच कैसे फाइंड आउट करोगे, दोनों को
सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा 3360 माइनस 3200 0 6, यहाँ आएगा 1। हेंस सुष्मिता हैज कवर्ड 160 मीटर मोर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय भावना। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड द स्क्वायर फील्ड इज ₹12,000। इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इज ₹30, देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो एरिया फाइंड आउट करने तो सबसे पहले आप साइड फाइंड आउट करिए, और साइड आपको यहाँ पे दिया नहीं है, आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब भी आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करना हो तो आप जो भी पैरामीटर दिया रहता है उसमें आप मल्टीप्लाई कर देते हो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर। सिमिलर वे में जब आपको लेंथ ऑफ फेंसिंग इट मींस पैरिमीटर फाइंड आउट करना होगा तो आप टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पर मीटर से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा लेंथ ऑफ फेंसिंग आर पैरिमीटर। सो हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी विल राइट सॉल्यूशन एंड वी विल राइट हियर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, इट इज गिवेन दैट इज ₹30 एंड वी हैव गिवेन टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दैट इज ₹12,000। नाउ वी कैन फाइंड पैरिमीटर एंड वी विल राइट हियर सो द लेंथ ऑफ फेंसिंग आर इट इज द पैरिमीटर इट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर। हम सॉल्व कर लेंगे, टोटल कॉस्ट हमें 12,000 गिवेन है और कॉस्ट पर मीटर इज गिवेन 30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12 और आ जाएगा 400। और पैरिमीटर है तो ये किसमें आएगा, मीटर में। नाउ जब हमें पैरिमीटर फाइंड आउट हो गया है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वन साइड। कैसे, हम जो है पैरिमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस स्क्वायर फील्ड की वन साइड क्या होगी। वी विल राइट हियर लेंथ ऑफ फेंसिंग इट इज इक्वल टू पैरिमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड and we know that perimeter of the square field will be equal to 4 multiply side, aur length of fencing humko pehle se hi pata hai that is 400, so side find out karne ke liye hum 400 ko 4 se divide kar denge, ho jayega 400 upon 4, to kitna aa jayega hame 4 1 4 00 write kar dijiye 100 meter, theek hai। ab humko side pata chal gayi, अब हम फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इट विल बी साइड मल्टीप्लाई साइड, तो आप 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 मीटर मल्टीप्लाई विद 100 मीटर 1, आफ्टर दैट 4 जीरोज 1 2 3 4, इट इज 10,000 मीटर स्क्वायर और यू कैन राइट 10,000 स्क्वायर मीटर। So students, we know that practice makes us perfect. Let us try to solve some questions. The first question, total cost of fencing the path shown in this figure is ₹55,000. Find the cost of fencing per meter. So जब आपको cost of fencing per meter find out करना हो तो कैसे find करोगे, जो total cost है उसको divide कर दोगे इस figure के perimeter से। Perimeter कैसे find out करोगे, इसकी sum of all sides find out कर लीजिए। जब सम फॉल साइड्स फाइंड हो जाएगा तो आप उससे 55,000 को डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस।
Now you can do by yourself question number second and third. And question four, there will be a little bit problem that both units are not same. In square meter it is given and this is given in centimeter. So at first of all, what you will do, you will convert same unit. या आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए. ओके, आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चंस यू कैन चेक योर आंसर्स फ्रॉम हियर. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.